यहाँ पर आज एक बहुत ही कॉमन इशू को हम लोग ले रहे हैं ट्रबल शूटिंग में। ये देखिए, ये वेव्स आ रही है, इस तरह की जो वेव्स आती है ना, काफी सारे साइट पर ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, या फिर अभी आप जब साइट पर जाएंगे काम करने के लिए, इंडस्ट्री में जब आप उतरेंगे सीसीटीवी इंजीनियर के तौर पे जब आप काम करने जाएंगे, तो ऐसा इशू आना आम बात है। ये इमेज स्टेबल है, ये इमेज है, ये भी स्टेबल है, बट यहाँ पर देखिए वेव्स आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लीजिए ताकि वेव्स को हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख पाए। इस तरह की वेव्स आ रही है। अब ये जो वेव्स है ना, वो आते क्यों है और कौन से इंडस्ट्री में आते हैं? ज्यादातर ज्वेलरी शोरूम्स में आप अगर कैमरा लगाते हैं तो वहां पर सारा मैक्सिमम जो काउंटर्स वगैरह होते हैं वो ग्लास के बने रहते हैं, तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके कैमरे पर आती है सीधी। ठीक है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ओवर एक्सपोजर क्रिएट कर रहा है। नंबर टू, ऐसे जगह पे आप कैमरा लगा रहे हैं जहां पर जो फर्श है, जमीन फर्श, वो व्हाइट मार्बल का है, चमकदार पत्थर का है। ठीक है, जो टाइल्स है व्हाइट होती है और वहां पर जब लाइट्स हिट होते हैं ना, तो वो अगेन रिफ्लेक्ट होकर आते हैं कैमरे पर, तो वहां पर भी इमेज ओवर एक्सपोज होती है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल करना होता है, न कि कैमरे को चेंज करना है या फिर कोई भी हार्डकोर सेटिंग करनी है। काफी सारे जो न्यू इंजीनियर्स हैं उनको शायद पता नहीं होता है और वो डायरेक्ट कैमरा चेंज करने में लग जाते हैं, या उसका एंगल चेंज कर देंगे कि इस साइड बराबर नहीं है तो इस साइड लगा दे, इस साइड बराबर नहीं है तो इस साइड कर दे। न तो एंगल चेंज करना है और न ही आपको कैमरा चेंज करना है। ये छोटी सी कैमरे की सेटिंग होती है एक्सपोजर कंट्रोल सेटिंग, वहां से आप इस तरह का इशू सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ये लाइव यहां पर करके दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली काफी हेल्पफुल सेटिंग है। तो अभी हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे करना है। थोड़ा सा डिस्प्ले की तरफ फोकस रखना। यहां पर मैं सबसे पहले माउस से इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूं, आपने इस पे डबल क्लिक करना है। सो आई एम डबल क्लिकिंग ऑन दिस हियर एंड सिलेक्ट दिस सेटिंग, पैटर्न से इसको अनलॉक कर लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये पीटीजेड कंट्रोल का एक सेटिंग है, सो क्लिक ऑन द पीटीजेड कंट्रोल सेटिंग। यहाँ पर पीटीजेड कंट्रोल के सेटिंग में जाएंगे और इस सेटिंग में जाकर यहाँ आयरिश के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक द ओके फ्रॉम हियर एंड क्लिक द आयरिश बटन। यहाँ पर देखिए एक्सपोजर कंट्रोल्स दिख रहे हैं अलग अलग, थोड़ा सा नजदीक लेना ताकि और क्लियर दिखे व्यूअर्स को। वीडियो फॉर्मेट, एक्सपोजर, डे नाइट, काफी सारे सेटिंग्स है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक्सपोजर कंट्रोल सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। गो टू द एक्सपोजर एंड अगेन क्लिक द आयरिस प्लस बटन, और यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर कंपनी से सेट किया हुआ है, उसको हमें चेंज करना है। और चेंज करके हमें यहाँ पर इसको BLC से एक बार चेक कर लेना है और एक बार HLC से क्लोज चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए HLC में बहुत ज्यादा मिल रहा है, BLC में ये हल्का सा कंट्रोल होता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, ये देखिए अभी ये बस बस ठीक है, ये लेवल पे रखें, इसको हिलाए नहीं। ओके, अभी BLC से मैं अगेन इसको चेंज कर रहा हूँ, HLC पे कर रहा हूँ। HLC पे देखें पट्टे आ रहे, व्यूस आ रहे हैं, वेव्स आ रही है। अब इसको मैं HLC से चेंज करूंगा और इसको मैं WDNR पे सेट करूंगा, तो हल्का सा कम हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस है, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक्सपोजर ग्लोबल भी ठीक नहीं लग रहा है, ये तो पहले से था। BLC पे हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको BLC पे सेट किया, काफी हद तक ये एक्सपोजर यहाँ पर कंट्रोल हो गया, काफी हद तक यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल हो चुका है इस छोटी सी सेटिंग से। तो एक बार वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर इस तरह का कोई भी इश्यू आए तो सबसे पहले आपने यहाँ PTZ की जो आइकॉन है उसको क्लिक करना है एंड क्लिक द प्लस आइकॉन फ्रॉम हियर इरिश एंड यू विल गेट अ एक्सपोजर मोड एंड चेंज द एक्सपोजर मोड HLC। HLC पे देखिए इस तरह का व्यू, अगेन इट स्टार्ट टू स्क्रीम द इमेज, वापस से इमेज यहाँ पर खराब होनी शुरू हुई एक्सपोजर मोड में HLC में। तो ये ही इशू होता है जो साइट पे आते रहते हैं, और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, ग्लोबल को हमें चेंज करके क्या सेट करना है BLC। तो ये एक छोटी सी सेटिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पर आज बताई। तो आई होप सभी को समझ आ गई होगी ये सेटिंग। तो बताइए कि क्या ये सेटअप करना आसान है?